हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकिंग कंपेनियन में। आज की रेसिपी है जामुन पॉपसिकल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 250 ml पानी और 100 ग्राम चीनी डालकर हिलाएं और उबाल आने तक गैस पे चढ़ाएं। जब ये पानी उबलने लग जाए तो गैस बंद कर दीजिए और पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब एक बर्तन में 200 ग्राम जामुन ले लीजिए। जामुन के आपने बीज अलग कर लेने हैं। एक चाकू की मदद से ऊपर से जामुन का छिलका छिलका उतार लें और बीज अलग करके एक प्लेट में रख दें। अब आपने जो जामुन का पल्प अलग किया है उसको एक मिक्सी में डाल लेना है। अब इसमें एक नींबू काट कर निचोड़ें। अब इसमें काला नमक मिलाएं। अब इसमें डालें 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब इसको ब्लेंड कर लें। इसको एक बर्तन में अलग से निकाल लें और जो पहले आपने चाशनी बनाई थी उसको इसमें मिला दें। चाशनी को मिलाकर आपने इस मिक्सचर को एक बार चला लेना है। अब इस मिक्सचर को पॉप्सिकल मोल्ड में डालें। अब आपने इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए अपने फ्रिज में 7 से 8 घंटे तक छोड़ देना है। अच्छा होगा अगर आप इसको पूरी रात जमने के लिए छोड़ दें। सात से आठ घंटे बाद आप अपने मोल्ड को बाहर निकालें और आपके तैयार हैं जामुन पॉप्सिकल। ऊपर से हल्का सा चाट मसाला डालें और इन्जॉय करें।